हे गाइस, कैसे हो आप सब? तो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग दो गेम को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बीजामे के अंदर कोइंसिक वाला जो इवेंट है बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है, उससे रिलेटेड जो डाउट है वो मैं क्लियर करने वाला हूँ। उसके साथ साथ न्यू स्टेट में भी एक दो दिन पहले इवेंट आया था, उसको भी कवर करूंगा। तब से आपको ज्यादातर ये टाइप का ही वीडियो देखने को मिलेगा जिसमें मैं आपको दो तीन गेम कवर करते हुए दिखाऊंगा, क्योंकि बीजामे में अभी कुछ खास नहीं आ रहा है। इसलिए बीजामे पबजी के साथ साथ हम लोग थोड़ा नया नया गेम को भी देखेंगे, जब तक बीजामे का ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाता कि रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आ जाएगा तो उसके बाद हम लोग फाइनल डिसीजन लेंगे कि कौन सा गेम में पूरा शिफ्ट होना है, और अगर आ जाता तो भाई वापस से बीजेम को ही कवर करेंगे, उसका टेंशन मत लो, ठीक है। तो फिलहाल आज के वीडियो में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कोइंसिक वाला जो इवेंट हम लोग बीजेम के गेम के अंदर चल रहा, क्या ये जो इवेंट आप देख पा रहे हो जो कि 9 तारीख को खत्म होने वाला है, 9 सितंबर सुबह 5:30 बजे, तो ये इवेंट एनी हाउ एक्सटेंड हो सकता है? क्योंकि बहुत बंदे क्वेश्चन ये था कि मान लो गेम आ जाता है तो इवेंट हम लोग को वापस मिले, क्योंकि हम लोग ये इवेंट का फायदा नहीं उठा पाया था क्योंकि यूसी का प्रॉब्लम हो रहा था, और अगर सॉल्व हो जाता तो क्या ये हम लोग को इवेंट वापस से मिलेगा सो डैट हम लोग एक मेडल एटलीस्ट निकाल पाए कोइंसिक का। तो गाइस, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ये नॉर्मल इवेंट होता तो चांसेस था कि ये एक्सटेंड हो जाता, बट ये इवेंट जो है ये कोलैबोरेशन इवेंट है जिसके चलते चांसेस नहीं बनता है कि ये एक्सटेंड होने वाला, क्योंकि कोलैबोरेशन का कोई भी चीज़ आप देखोगे उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि ये डेट से लेकर ये डेट तक ही आप इवेंट मोड या इवेंट जो क्रिएट आता है उसको आप पब्लिश कर सकते हो लोगों के बीच में, और जैसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, डेट एक्सपायर हो जाता है, तो वो इवेंट उसके साथ साथ वो मोड गेम से निकल जाता है। एक चीज़ है कि अगर आप उसको ले चुके हो परमानेंटली वो आप कभी भी यूज़ कर सकते हो, बट इवेंट का फॉर्म में या क्रिएट का फॉर्म में या मोड के फॉर्म में कोलैबोरेशन जब तक कॉन्ट्रैक्ट रहता तब तक आपको दिखेगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो आपको वो सब भी देखने को नहीं मिलेगा। जब फ्यूचर में वापस से वो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, जैसे कोइंसिक का सेकेंड कोलैबोरेशन है और ब्लैकपिंक का भी आपने देखा सेकेंड कोलैबोरेशन था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में वापस से आपको देखने को मिलेगा वो इवेंट या वो स्किन, उस टाइम वापस से ले सकते हो। बट फिलहाल के बता देता हूँ कोइंसिक का ये इवेंट एक्सटेंड नहीं होने वाला, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट 9 तारीख का ही है, और उसके बाद आपका जो स्पिन है कोइंसिक वाला वो भी चल जाएगा, उसके साथ साथ ये वाला भी चल जाएगा, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया। तो अनफॉर्चुनेटली बीजेएमआई जो यूज़र है वो अनलक्की है, ये मज़ा नहीं ले पाए, बट एक चीज़ आपको समझ में आ गया कि फ्यूचर में अगर गेम रहता है तो फ्यूचर में आप बीजेएमआई यूज़र को सुपर कार के मामले में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये दूसरा टाइम है कि ये इवेंट बीजेएमआई में दिया है और पबजी में नहीं है, समझ रहे हो ना दोनों में अंतर। ये चीज़ तभी फायदा होगा अगर गेम वापस आता है, नहीं आता तो क्या ही फायदा। तो चलो, जैसे कि आप देख पा रहे मेरा ऑलरेडी 9450 यूसी स्पेंड हो गया, बहुत दिन पहले ही हो चुका था। आरपी एक्टिविटी जो पैक है ना उसी को सर्कुलेट कर रहे थे, तो इधर हम आरपी एक्टिविटी में चलते हैं और आखिरी जो पैक है उसको परचेज में कर लेता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, इसको हम परचेज कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हम लोग का 50 हो चुका है, और उसके बाद हम लोग ये आखिरी वाला भी मेरा हो जाएगा क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ले रहा हूँ, और इसको हम लोग काट देते हैं, और उसके बाद हम लोग का इधर स्पेंडिंग कंप्लीट हो चुका है, फटाफट से कलेक्ट कर लेते हैं। सो फाइनली हम लोग को एक मेडल मिल चुका है, इसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। ओके, इसको हम लोग ओके कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग चलते हैं इधर। ओके, इसको स्किप कर देते हैं। इस बार तो मैं एक भी यूसी का इसमें स्पेंडिंग नहीं किया, आपको पता है गेम का वाट लग गया था उस टाइम ही। तो चलो हम लोग सीधा रिडीम में चलते हैं। तो मैं बता देता हूँ कि मैं कौन सा लेने वाला हूँ, मैं क्यूब नहीं लेने वाला, क्योंकि लंबोर्गिनी का क्यूब जो है वो ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है साउंड के साथ साथ, और इवन दो दो क्यूब का सुपर कार लेकर कोई फायदा नहीं है, मेरे पास दासिया नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे डासिया लेने वाले, और डासिया का हम लोग लेने वाले हैं वाइट वाला वेरियंट, क्योंकि मेरा एक स्क्वाड मेंबर है वो ब्लैक लेने वाला है, तो इसलिए मैं व्हाइट लेता हूँ, क्योंकि वो पहले ही बोल कर रखा था कि भाई मुझे ब्लैक लेना है ब्लैक लेना है, तो बोला चलो ठीक है मैं व्हाइट ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग ये वाला कार लेने वाले, और क्या नाम है इसका, कोइंसिक जेमेरा डॉन, ठीक है, तो इसको हम लोग पिकअप कर लेते हैं। तो फाइनली हमारे पास ये एक लेजेंडरी गाड़ी है, इसको शेयर कर सकते हो, डाउनलोड कर लेते, मोमेंट में डाल देते इसको। ओके डन, उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, वापस आते हैं, इधर आते हैं गाड़ी में, चलो यूज करते हैं। ओके, तो मेरा दोस्त जो है वो रूम क्रिएट करके रखा होगा, तो चलो तो गाइस यही दोस्त है जो ब्लैक वाला लेने वाला है दो तीन दिन में, तो चलो फटाफट से मैच मेकिंग कर लेते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि टासिया कितना जल्दी हम लोग को मिलता है। ओ चलो, लकीली हम लोग को मिल चुका है, चलो। ओ वो भाई वाइट भी खराब नहीं है, मेरे को लग रहा था वाइट घटिया है, बट आवाज भी इसका अच्छा है। I found a picture we took many years ago.
तो चलो गाइस थोड़ा सा इंटीरियर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इधर इंटीरियर काफ़ी अच्छा लग रहा है। बैक सीट में वो जाते हैं, देखो बैक सीट में भी एक टैब लगा हुआ है तो काफ़ी अच्छा है। ओके गाइस, आई होप हमने देख लिया होगा। अभी हम लोग आते हैं बोल सकते हैं न्यू स्टेट के इवेंट के ऊपर। इधर हम लोग चलते हैं न्यू स्टेट के ऊपर। ओके गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो न्यू स्टेट में आ चुके हैं। इसके अंदर भी एक इवेंट आया हुआ है, इसमें हम लोग क्लिक करते हैं इवेंट में। उसके बाद आप देखो चिकन रन मिशन नाम का एक इवेंट आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें आप देख पा रही है इवेंट अभी भी 16 दिन बचा हुआ है। 3-4 दिन पहले ये इवेंट आ चुका था, जिसमें आपको डेली बेसिस में मिशंस तो मिलेगा, उसके साथ साथ आपको वीकली बेसिस में मिशंस बोल सकते हैं, वन टाइम मिशन भी आपको देखने को मिलेगा। डेली बेसिस में मिशन में आप देख पा, जैसे आप साइन इन करोगे तो आपको ये चिकन वाला मेडल मिल जाएगा। उसके साथ साथ आप देख पा रहे हो 3 बार बैटल रॉयल मैच खेलोगे तो आपको वापस से एक मेडल मिल जाएगा, और 3 बार एक्सिबिशन हॉल एक टीडीएम मैप है वो खेलोगे तो आपको 2 और मिल जाएगा। उसी के साथ साथ जो हम लोग का अंडर ब्रिज नाम का एक और टीडीएम मैप बोल सकते हो, वो अगर खेलोगे तो 2 और इधर से मेडल मिल जाएगा। उसके साथ साथ आप देख पा रहे ये जो मेडल है ये साइन इन करने से आपको 1 मिल जाएगा। उसके साथ साथ अगर आप अपने फ्रेंड के साथ 10 बार बैटल रॉयल खेलोगे तो आपको एक और मेडल मिल जाएगा। फ्लेयर गन 2 बार करोगे तो आपको एक और मिलेगा। उसके साथ साथ और भी मिशंस आपको दिखाया जाए जो कि आपको करना होगा, जैसे आपको 20 बंदे को फिनिश करना है ट्रॉय मैप में। उसके साथ साथ एरेंगल का एक्सट्रीम में आपको 20 बंदे को मारना, जो कि ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये वन टाइम इवेंट है इस तरफ वाला। डेली मिशन भी है जो कि ईजी है बहुत ज़्यादा, और वन टाइम मिशन भी अपने हिसाब से काफ़ी अच्छा है, ईजिली हो जाएगा और आपको बहुत सारा मेडल इधर से मिल जाएगा। ठीक है, जैसे इसका हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, अभी फिलहाल एक ही मिला हम लोग को, और उसके बाद ये मेडल आपको मिलेगा इसका क्या यूज़ है। चलो इधर मैं आपको प्ले में ले जाता हूँ, बट मैं मुझे जितना लगता है कि एक मेडल से काम नहीं बनेगा, एटलीस्ट मुझे 3 मेडल चाहिए होगा। तो जैसे गाइस आप देख पा रहे हो ये बोल सकते हो एक एम्बेडेड वेबसाइट में रिडायरेक्ट कर रहा है। आपको पता है पबजी में आप सबको पता ही होगा कि एम्बेडेड वेबसाइट बहुत यूज़ होता था। और इधर आप देख पा रहे ये इवेंट का थोड़ा बहुत साउंड आपको पबजी का तो सुनाई दे रहा है, उसके साथ साथ पिक्सल वाला आवाज़ दे रहा है, जो कि मारियो का टाइम जो 90s वाला किड है उन लोगों को पता है, मारियो अगर खेले होंगे तो पता इस टाइप का उसका साउंड आता था, उस टाइप का ये इवेंट भी होने वाला। तो फिलहाल मेरे पास, चलो इसके साउंड को थोड़ा कमा देते हैं, फिलहाल मेरे पास उतना बोल सकते कॉइन नहीं है या मेडल नहीं है जिससे मैं ये गेम को स्टार्ट कर पाऊँ, बट न्यू स्टेट वाले ने ये गेम को पब्लिश किया है कैसा ये गेम वर्क करता है। तो चलो इसमें अगर आप जैसे आप स्टार्ट करोगे अगर कुछ 3 मेडल है ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, फिलहाल मेरे पास नहीं है। और आपको कुछ इस तरह का खेलना होगा, जैसे आप देख पर 2D जैसा गेम आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें एक चिकन आप देख पर दौड़ते हुए जा रहा है और ऑब्स्टेकल को तोड़ तोड़ कर आगे जाना है और जंपिंग करना आपको बीच बीच में। उसी के साथ साथ आप एक चीज़ नोटिस करना, आपके टीम जो है उसका जो रैंकिंग है वो आपको दिखेगा कि कितना दूर वो कवर किया है, और उसका डिस्टेंस अगर जैसे आप क्रॉस करोगे तो उसका प्रोफाइल राइट साइड से हट जाएगा। तो ये थोड़ा बहुत आपको सर्वे सर्फर वाला फीलिंग देगा, जो पहले आपको पता फेसबुक फ्रेंड के साथ अगर आप खेलते होगे तो सर्वे सर्फर का जो फेसबुक फ्रेंड होता है कितना मीटर दौड़ा है वो आपका आइडिया हो जाता था, उस टाइप का ये इवेंट है। इसका रिवॉर्ड कैसे मिलेगा वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहला जो रिवॉर्ड है 25,000 मीटर कंप्लीट करोगे तो आपको ये BP क्रेट ना क्या ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद जैसे आप 35,000 मीटर कवर करोगे तो आपको एक क्रेट मिल जाएगा, जो कि आप कर सकते इजीली। और एक चीज़ बता देता हूँ कि ये इवेंट में आपको एक ही राउंड में 35,000-50,000 मीटर नहीं कवर करना है, आप आराम से टाइम लेके भी कर सकते हो। मान लो आप ये मैच में 600 किए हो, नेक्स्ट मैच में 400 किए हो, तो दोनों का ऐड होके 1,000 होता है। ठीक है, तो इससे ही आप आराम से जितना मीटर चाहे उतना कर सकते हो, और ओवरऑल सबका कैलकुलेट होके फाइनल जो 25,000 होगा तब जाके आपका ये वाला रिवॉर्ड आपको मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं कि एक राउंड में 25 या 35 करना होगा, जिन्हें आराम से आप टाइम ले सकते हो, क्या जितना आपके पास वो वाउचर या मेडल है उसका आप यूज़ ले सकते हो। बट इतना सिंपल सा इवेंट था, होपफुली ये इवेंट आपको समझ में आ गया। चलो इतना रखते वीडियो को, थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।